तो भाई वाई आई एम नॉट बेस्ट ब्लॉगर, मैं एक अच्छा ब्लॉगर क्यों नहीं हूँ ये लोग मुझे बोलते हैं कमेंट्स में, नहीं सामने मुंह पे बोलते हैं। हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी पर सिप्पा में। गैस, मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में तवांग में था लेकिन मैं आ गया सिप्पा में। तो शॉर्टकट में आपको सब कुछ बता देता हूं क्योंकि मुझे देर हो रहा है। तो तवांग में मैं था और सिप्पा आने तक मेरा सफर जो था वो था 312 किलोमीटर का, और मैंने वीडियो शूट नहीं किया था गैस क्योंकि मेरा मोबाइल जो वो डेथ हो चुका था, बिल्कुल पावर बैंक में डेथ हो चुका था। वहां पे कहीं जगह नहीं मिल रहा था कि मैं चार्ज लगाऊं। यकीन मानो अगर मैं वहां पे एक दिन और रुक जाता तो मैं बीमार पड़ जाता, बुखार भी हो जाते, मैं कपड़े भी धुलता तो सुखाता कहां क्योंकि वहां पे बारिश इतना हो रहा है और धूप तो पता ही नहीं भाई, धूप का तो पता नहीं और कोहरा हो रहा। तो मैं सिप्पा चला आया और सिप्पा आने के लिए मैं एक दिन में आया, कल डायरेक्ट वहां से बैठा। और पहले तो मैं आया बोमडिला से, डायरेक्ट लिफ्ट लिया 182 किलोमीटर का, फिर दूसरा 0 पॉइंट आया, फिर 0 पॉइंट से सिप्पा आ गया। आप लोगों को मालूम होगा मैं यहाँ पे होस्ट पहले हो चुका हूँ, यहाँ पे भैया ने मुझे होस्ट किया था, आज उन्होंने होस्ट किया। और ईटानगर के लिए पेट्रोल पंप की गाड़ी जाएगी तो मैं उसी के साथ निकल जा रहा हूँ ईटानगर, और ईटानगर तक आज ब्लॉग बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर कल 0.0 पॉइंट से उधर होते आलू साइड होते हुए चले जाएंगे पासीघाट। बैग वैग सब पार्सल कर लिया है, अब से हमको निकलना है। तो गैस मिलते हैं आप लोगों को बाहर। तो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है, यही गाड़ी से हम लोग होते हुए जाएंगे, फिर मिलेंगे ना। मिलेंगे फिर। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, अब आएंगे बड़े यूट्यूबर बन के आपके पास, ठीक है। तो भाई ये है अपनी गाड़ी, यहीं पे चलते हैं और फिर बैग वैग रखते हैं, आप लोगों को सीधा मिलते हैं ईटानगर में, क्योंकि अभी वीडियो वही रास्ता फिर जाना पड़ेगा और वीडियो बनाना पड़ेगा यार, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप सीधा मिलते हैं ईटानगर में। तो वो भैया ड्राइवर हैं, ड्राइवर आ रहे हैं और देखते हैं चलते हैं ये ईटानगर के पास और फिर आप लोगों को सीधा वहीं भी मिलते हैं गैस, क्योंकि ये रास्ता मैं पहले से एक्सप्लोर कर चुका हूं और इसके बारे में आप लोगों को पहले मैं जानकारी दे चुका हूं अपने पिछली वीडियो में। तो सीधा मिलेंगे आप लोगों को जहाँ पर भैया उतारेंगे। बैग भी रख दिया यार इस तरीके से, अच्छे से रखना पड़ेगा नहीं तो आके बोलेगा यार क्या कर रहा है ऐसे अच्छे से ना। हाँ तो भाई अभी मैं उतर चुका हूँ, सिप्पा से चला था 180 किलोमीटर का सफर था और भैया ने मुझे उतार दिया है। ये वाली आप देख रहे हो गाड़ी जा रही है इधर से ईटानगर जाएगा तो 25 किलोमीटर के बाद ईटानगर है। और अभी मैं यहाँ पे रुक गया हूँ क्योंकि जीरो का जो रास्ता है इधर वापस फिर से दूसरी रोड कट के जाएगा जीरो, फिर जीरो से पासीघाट। मुझे लगा कि ईटानगर से आगे में जीरो है लेकिन जीरो वही रास्ता से वापस से। मुझे यार नहाना भी है क्योंकि मुझे हो गए 3 डेज हो गया यार मैंने नहाया भी नहीं है, और यहाँ पे एक छोटी सी नदी बहती हुई मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे नहा लेना चाहिए। यहाँ पे देखो नदी बह रही है, ये मेरा हाथ दिख रहा है वहीं पे नदी बह रही है भाई। ये नॉर्थ ईस्ट की ये बात अच्छी है कि आपको जगह जगह पे पानी मिल जाएगा, और वो पानी भाई कौन सा मिलेगा, फ्रेश पानी वाटरफॉल से बहते हैं, पहाड़ों से बहते हैं, वो पानी आपको जगह जगह पे मिल जाएगा। ये देखो रास्ते भी बंद है, समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए किधर से। आज यहीं पे रुकेंगे कहीं अच्छी जगह टेंट लगा के, कल निकलेंगे। ये पूरा लगा के रखा है यार, उधर पार कैसे हो समझ में नहीं आ रहा है। गेट तो बनाया होगा लेकिन दिख ही नहीं रहा गेट मुझे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ से ड्राइव मारते हैं, ये बात है भाई थोड़ा तवज्जो से पार करना पड़ेगा। ये देखो घुस गया ना तो अपना काम हो जाएगा भाई, चीर फाड़ देगा पूरे, एक महीने के लिए व्लॉगिंग से छुट्टी मिल जाएगा। ओहो थैंक गॉड पार हो गया यार मैं। तो अब चलते हैं पहले कपड़ा धुलते हैं। ये देखो प्यारी सी नदी बहती हुई भाई, बहुत साफ पानी यार यहाँ का। आपको एक बार बिस्लेरी में शक हो सकता है कि ये पानी क्लियर है कहीं, लेकिन आपको यहाँ के जो नदी बहती है ना वहाँ में आपको थोड़ा सा भी शक नहीं होगा कि पानी डिसबैलेंस है। यहाँ पे पहले बैठते हैं यार नीचे, उसके बाद आपसे बातें करना है। ओहो भाई मजा आ गया यार, जो ट्रेवल व्लॉग होता है वो उसी तरीके से मेहनत करता है भाई, जहाँ पाना नहाना, जहाँ पे समझ में आ जाए वहाँ पे टेंट लगाना, और जहाँ पे समझ में आ जाए वहाँ पे खा लेना, जिससे मिल जाना लिफ्ट ले लेना, और पता नहीं क्या क्या धूप में तकलीफ तो कहाँ पे। ये होती है एक बड़े बनने की चाहत, लेकिन जब फिर इंसान थोड़ा थोड़ा सक्सेस होने लगता है तो फिर अपने आप को चेंजेस लाने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करना पड़ेगा है ना। तो अब मैं आप लोगों से बता दूं, पहले अगर आप अरुणाचल में आओगे ना नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ज्यादा तुमको जब जो प्यार मिलेगा ना वो मिलेगा अरुणाचल में। ये चीज मैं हवा हवाई में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 11 तारीख को जो आने वाला 11 तारीख है वो 11 तारीख को मुझे ट्रेवल करते हुए 4 महीना हो जाएगा घर से निकले हुए, और मैं 4 महीने से रेगुलर ट्रेवल कर रहा हूँ और बहुत जगह मैं घूम चुका हूँ। जैसे मैं दिल्ली से निकला था, फिर आगरा, फिर मथुरा आगरा, फिर अपन गए ग्वालियर की तरफ, वो तो यूपी हो गया, फिर हम मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, उड़ीसा, कोलकाता, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, उसके बाद फिर उधर से गुवाहाटी, असम, मेघालय, है ना, बहुत जगह हमने ट्रेवल किया। तो पिछले मैं एक महीने से यहाँ पे
अरुणाचल में ट्रेवल कर रहा हूँ। मैं 1 तारीख को इंटर किया था अरुणाचल में और आज 2 तारीख है जो है मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 तारीख है ठीक है। अब ये वीडियो आप लोगों को कब पहुँचे है वो पता नहीं, थोड़ा पानी में पैर रख के बैठते हैं उसके बाद बात करने में भी मज़ा आएगा आपसे। हो भाई अच्छा लग रहा है, मैंने 4 महीने में जो एक्सपीरियंस किया है वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझे अरुणाचल में मिला है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी अरुणाचल आओगे ना तो आपको बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं यार। जो मेहमान आते हैं ना उनको बहुत इज्जत करते हैं, डेली किसी ना कहीं कहीं ना कहीं लोग होस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे खाने के लिए फ्री मिलता है और बाकी जगह पे तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे सबसे कम पैसे खर्च हुए हैं। लोग आपको फॉर्चूनर थार ऐसी जगह पे लिफ्ट दे देंगे भाई, जहाँ पे आदमी सपना होता है कि उस पे आदमी बैठ जाए। लोग आपको साथ अपने डिनर कराएंगे, अपने घर लेके जाएंगे। ये हो अरुणाचल की कल्चर भाई, बहुत अच्छे आपको मानेंगे। लेकिन साथ ही साथ में आपको एक प्रॉब्लम भी आएगी, एक नहीं 2-3 प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली क्या प्रॉब्लम आपको आएगी ट्रेवल में, है ना, ये ट्रेवल में ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि अगर आप वीडियो बना रहे हो, मान लीजिए किसी से आपने लिफ्ट लिया और उसके साथ आपने 50 किलोमीटर का सफर तय किया है ना, तो 1 घंटे आप ट्रेवल करोगे उसके साथ। तो यहाँ पे कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं, यहाँ पे नहीं बाकी बहुत जगह पे, अरुणाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपको हर जगह मिलेगी, हर यूट्यूबर के साथ मिलेगी। आप अगर 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है तो जो कोई लोग होता है तो बोलते हैं अरे भाई कैमरा ऑन रखो, क्या कर रहे हो, वीडियो बनाओ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी होने लगता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, कैसे यूट्यूबर बनोगे, इसको दिखाओ उसको दिखाओ, मतलब उनके समझ से आप उनकी तरीके से वीडियो बनाओ। अब भाई एक बात आप बता दो मुझे, अगर मैं आपके साथ 1 घंटा के लिए लिफ्ट मांगा कि आप मुझे 50 किलोमीटर जा रहे हो उधर तो आप मुझे 50 किलोमीटर ड्रॉप कर दो, तो अब मैं क्या पूरे घंटे कैमरा ऑन करके रखूंगा, क्या बात करूंगा यार। जो मेरे समझ में आएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वही चीज़ पे रिकॉर्ड करूंगा ना भाई। अब वो बंदा बोलेगा नहीं इसको भी रिकॉर्ड करो, उसको भी रिकॉर्ड कर लो भाई, और अगर कुछ बोल दो तो आदमी बुरा मान जाते हैं, हाँ मैं हाँ मिलाओ तो उनको ठीक लगता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। और भी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप जैसे कि अरुणाचल में आ गए और अरुणाचल के कैपिटल में आए ईटानगर, अब ईटानगर में बहुत चीज़ देखने के लायक है ना, जैसे ईटा फोर्ट है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, ऐसी तरीके से दुनिया भर की चीज़ें। अगर आप ईटा फोर्ट गए हो और दूसरी जगह पर नहीं गए हो, कुछ मार्केट एक्सप्लोर किया, कुछ मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया, आपको कोई बंदा मिल जाएगा बोलेगा भाई आपने ईटानगर में कहाँ कहाँ पे घूमे, आप बोलोगे मैं ईटा फोर्ट गया हूँ, यहाँ के मार्केट गया हूँ, यहाँ का मंदिर गया हूँ और बस इतना ही जगह। जो लोग मिलते हैं जो थोड़ा अलग माइंड के हैं अपने आप में, वो समझते हैं, वो बोलेंगे अरे भाई तुम क्या घूम रहे हो यार, तुम आप समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करो, क्या यूट्यूबर बनोगे, इस तरीके से आदमी बोलते हैं यार। यहाँ पे तो आपने गए ही नहीं, वहाँ पे तो आपने गए नहीं, ईटानगर में ये चीज़ दिखाने लायक है, वो चीज़ आपने दिखाया नहीं भाई। इस तरीके से लोग मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है। आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ हम उनके तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं कि हम अपने मर्जी से ट्रैवल कर रहे हैं, या हमारा जो मर्जी होगा भाई, हमारा जो प्लान है मैं वही तो देखूंगा या वही चीज़ एक्सप्लोर करूंगा, आपकी मर्जी तो करूंगा नहीं। जो इंसान ट्रैवल कर रहा है वो अपने हिसाब से करेगा, आपके हिसाब से थोड़ी ना करेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है यार, ये चीज़ उन लोगों को समझना चाहिए जो ऐसे बेतुकी बातें करते हैं, और उनको पता नहीं होता कि ट्रैवल वाले जो होते हैं भाई कितना मेहनत करते हैं। अभी देखो धूप कितनी तेज़ है, तो मैंने सोचा यार चलो धूप है, क्योंकि अरुणाचल में लगातार 1 महीने से बारिश हो रहा है तो भाई खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अभी पे थोड़ा बहुत धूप निकला है और कुछ ज़्यादा ही धूप निकला है, तो मुझे लगा कि आप कपड़े धुल लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, एकदम फ्रेश हो जाना चाहिए, आज यहीं पे कहीं अच्छी जगह टेंट लगा कर रुकते हैं, फिर कल अगले का सफर निकलेंगे। और अभी हम चल रहे हैं कपड़ा वगैरह धुलने, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो गाइस फाइनली अभी मैंने कपड़ा वगैरह धुल लिया है और आज मैं थोड़ा आपको अपने बैग के रिवील कराता हूँ कि मैं अपने बैग में लेकर चलता क्या हूँ, कपड़े मैं कितने लेकर चलता हूँ अपने ट्रैवल में। सबसे पहले तो देख लो भाई, मेरा ये एक टी शर्ट है जो मैंने 1200 रुपया की लिया था, एक गाँव का लिया था ठीक है गाँव में, और एक हाफ पैंट और ये दूसरा हाफ पैंट और एक तीसरा हाफ पैंट, मैं 3 हाफ पैंट लिया हूँ और एक ये टी शर्ट है, एक अंदर टी शर्ट है, 2 टी शर्ट है मेरे पास, मतलब 3 टी शर्ट में 2 टी शर्ट एक शर्ट और 3 हाफ पैंट, और बाकी जो मेरे कपड़े थे भाई वो मैं एक एक करके निकालता गया। लेकिन अभी जो मेरे पास ये वाला टी शर्ट है रेड वाला और बैग के अंदर जो एक मेरा रखा है ब्लैक वाला टी शर्ट, तो इसके लिए मैं वो टी शर्ट धोने वाला मैं किसी गरीब को दे दूंगा, या तो जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं मैं इसको देने वाला हूँ उन लोगों को, क्योंकि फेंकने से अच्छा किसी को दे देता हूँ, उनका इस्तेमाल में आ जाएगा, धुल के दूंगा ऐसा नहीं दूंगा। और क्योंकि ये 2 महीने पुराने हो गए मेरे टी शर्ट और मुझे दूसरा लेना चाहिए, इसका कलर वगैरह उड़ गया है, तो गरीब जो हमसे ज़्यादा गरीब है मैं उसको दे देता हूँ, मैं भी गरीब ही हूँ ऐसा नहीं है
और अब मैं इधर से जब मैं कल निकलूंगा जीरो साइड, उसके बाद काशी घाट में इंटर करेंगे। इंटर करके उसके बाद वहाँ पे शॉपिंग करना है मुझे। शॉपिंग इसलिए करना है भाई क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था पिछले कई वीडियो में कि वहाँ पे बहुत सस्ती मार्केट है, वो मार्केट मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। और वहाँ पे पता है कितने रुपए मिलते हैं? ये जो मैंने लिया है हाफ पैंट, ये मात्र 40 रुपए का भाई, एक नंबर हाफ पैंट है। आप सोच भी नहीं सकते भाई इतना ज्यादा आरामदायक है और बहुत ही अच्छा हाफ पैंट है यार, मजा आ जाता है भाई इसको पहनने में, बहुत बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है, ऐसा नहीं है लोकल नहीं है, मस्त है। वो भी 50 रुपए की लिया था, यहाँ पे लिया था। वो चीज मैं आप लोगों को चलूंगा काशी घाट मार्केट में, वो चीज आप लोगों को मार्केट दिखाता हूँ। अगर आप कभी भी अरुणाचल आना तो वो मार्केट जरूर एक्सप्लोर करना, मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। ठीक है, पहले नहाते हैं, बहुत बातें कर ली है यार। तो ऑल राइट गाइस, फाइनली अभी मैं नहा हुआ के रेडी हो चुका हूँ और अब यहाँ से बाय बोल रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। कहीं अच्छी जगह छाए पे चलते हैं।